तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय बाईटी चैनल हेयर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको इसमें यह बताने वाला हूं कि आप यहां पे डोंट शो टेक्स्ट का ऑप्शन MIUI 12.5 में किस तरीके से यहां पे अनेबल कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं इस वाली डिवाइस में मैं MIUI 12.5.3.0 का अपडेट यूज़ कर रहा हूँ और मुझे इसमें जब मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, होम स्क्रीन में जाता हूँ, तो मुझे यहाँ पर डोंट शो टेक्स्ट का ऑप्शन यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलता है। तो अब मैं आपको इसमें यही बताने वाला हूँ कि आप इसमें विदाउट रूट, विदाउट एनी बूट लोडर अनलॉक, विदाउट एनी कस्टम रिकवरी डोंट शो टेक्स्ट किस तरीके से अनेबल कर सकते हैं, क्योंकि ये हिडन फीचर आपको सभी Xiaomi के डिवाइसेस में यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसमें वो वाली एक यूज़फुल ट्रिक यहाँ पर बता देता हूँ। तो उससे पहले, अगर आपने मेरे अभी तक बाईटी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए और आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपको MIUI से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे वहीं पर आपको सबसे पहले देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आपको सिंपली सबसे पहले सेट एडिट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। सेट एडिट एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। तो फिर आपको सिंपली इस वाली एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, सेट एडिट। तो इसको डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे यही ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पे आपको दिस डिवाइस और इसमें आपको सिस्टम टेबल, आपको इन सेटिंग्स को बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं छेड़ना है। तो इनको विदाउट टचिंग अब आपको सिंपली यहाँ पर ऐड न्यू सेटिंग पे क्लिक करना है। ऐड न्यू सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे ये चीज़ टाइप कर लेनी है, MIUI /home/no/word/model। तो आपको सिंपली इतना टाइप करने के बाद सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। सेव चेंजेस पे क्लिक करने के बाद आपको इसकी वैल्यू टाइप कर लेनी है 1। तो 1 टाइप करने के बाद सेव चेंजेस कर लेना है, और सेव चेंजेस करने के बाद आप जब अपनी होम स्क्रीन में आएंगे तो आपके यहाँ से टेक्स्ट गायब हो जाएंगे। आपको यहाँ पे मोबाइल को रूट करने की, मेरा मतलब आपको मोबाइल को यहाँ पे रीबूट करने की भी कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ी। ये एक बहुत ही बढ़िया बात मुझे तो यहाँ पे देखने के लिए लगी। लेकिन अगर आपकी सेटिंग चेंज करने के बाद भी यहाँ पे ये डोंट शो टेक्स्ट नहीं अनेबल होता है, तो आपको सिंपली एक बार अपना मोबाइल यहाँ से रीबूट कर लेना है। तो रीबूट करने के बाद आपका ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता है तो सेटिंग्स में ऐप्स में जाना, ऐप्स में आपको मैनेज ऐप्स में, मैनेज ऐप्स में आपको सिस्टम लॉन्चर सर्च करना है। अगर आपको यहाँ पे पोको का डिवाइस है तो आपको यहाँ पे पोको लॉन्चर सर्च करना है, उसमें जा कर के आपको इसको फोर्स स्टॉप कर देना है। तो फोर्स स्टॉप करने के बाद आपको यहाँ से डोंट शो टेक्स्ट अनेबल हो जाएगा। तो इसको वापस आपको नॉर्मल करने के लिए क्या करना है, वापस आपको सेट एडिट एप्लीकेशन ओपन करनी है। सेट एडिट एप्लीकेशन ओपन करने के बाद स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपने यहाँ पे जो सेटिंग अनेबल की थी आपको वो वाली सेटिंग याद करनी है, MIUI होम नो वर्ड मॉडल। आपको सिंपली इस पर एक बार यहाँ से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सिंपली इसको यहाँ से डिलीट रो कर देना है। तो जब आप इसको डिलीट रो करेंगे तो आपके वापस से ये अनेबल हो जाएगा बिल्कुल ओरिजिनल जैसा, जो कि एक बहुत ही बढ़िया बात हमें देखने के लिए मिल जाती है। तो ये वाला MIUI 13 का फीचर डोंट शो टेक्स्ट आप किसी भी Xiaomi के डिवाइस में, चाहे उसमें MIUI 12 रन कर रहा हो, MIUI 12.5 रन कर रहा हो, आप इसको अनेबल बहुत ईजिली कर सकते हैं विदाउट एनी रूट। तो चलिए फ्रेंड्स, यही थी आज की पूरी वीडियो, डोंट शो टेक्स्ट किस तरीके से अनेबल करें किसी भी Xiaomi के डिवाइस में, यही मुझे आज आपको इस वाली वीडियो में बताना था। तो अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो आप एक वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे बाईटी चैनल पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।